हर घटना से अब हम लोगों को सीख लेनी होगी। मैं आपको बता दूं कि जम्मू से जो है वो तीन दिन पहले एक दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया था, जहां पर एक पति और पत्नी यानी कि रिटायर्ड प्रिंसिपल और उनकी पत्नी की जो है वो मौत हो जाती है अपने ही घर में, संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो उनकी डेड बॉडी मिलती है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है वो जम्मू के तालाब तिल्लो का है, जहां पर आपको बता दूं कि बॉडी पट्टा वहां पर एक क्षेत्र है, वहां पर एक घर में रिटायर्ड प्रिंसिपल जिनकी उम्र जो है वो 61 वर्ष है और उनका नाम संजय है और उनकी पति और पत्नी यानी कि दोनों ये पति पत्नी थे, उन दोनों की जो है वो अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। तब से ही पूरा जम्मू शहर जो है वो सहम गया था कि आखिर ये दोनों पति और पत्नी जो है वो किस तरह से इनकी जो है वो हत्या हो गई है। पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीन दिनों के भीतर ही पुलिस जो है वो सुराग तक पहुंच गई है। इससे पहले पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया था, पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब जो है वो एक नया मोड़ आया, पुलिस जो है वो आरोपी तक पहुंच चुकी है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अब ये जानकारी आ रही है कि एक ऑटो चालक ने जो है वो इन दोनों की हत्या की है, यानी कि जिस व्यक्ति को बताया गया था कि घर में उनकी देखभाल करें, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जो है वो अकेले थे, इनकी दो बेटियां हैं, दोनों बेटियां जो है वो एक लंदन में रह रही है और दूसरी बेटी जो है वो हिमाचल में रह रही है, यानी कि एक बच्ची बेटी जो है वो हिमाचल में पढ़ाई कर रही है और एक बेटी जो है वो अपने चाचा के साथ लंदन में है और कुछ वो अपना कामकाज भी कर रही है। और घर में ये दोनों बुजुर्ग जो है वो अकेले थे और 61 साल जो है वो इनकी उम्र बताई जा रही है और इनके साथ साथ इनकी पत्नी भी, ये दोनों जो है वो घर पे थे और 6 महीने पहले ही ये प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। और अब जो है वो बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जिस व्यक्ति को कहा था कि हमारे घर में हमारे माता पिता की देखभाल करें, यानी कि जब भी वो फोन करेंगे तो आप जो है वो एक स्थान से उन्हें दूसरे स्थान तक जो है वो पहुंचा दें, या घर में तमाम चीजें रहती हैं, सब्जी लाना या वगैरह वगैरह, क्योंकि दोनों बुजुर्ग जो है वो घर में अकेले थे। तो वही व्यक्ति के ऊपर जो है वो अब शक की सुई जो है वो पुलिस की अड़की हुई है। इससे पहले पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन अब वो बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो करीब 2:30 बजे इनके घर में जो है वो अंदर पहुंचता है, 2:30 बजे उनके घर में पहुंचता और 5 बजे जो है वो घर से बाहर निकलता है। जब इनकी हत्या की जाती है तो वहां पर घर में गैस कनेक्शन जो है वो सिलेंडर ऑन किया था, यानी कि गैस जो है वो ऑन छोड़ दी थी और उसके साथ साथ घर में जोत जगा दी थी ताकि ब्लास्ट हो और इसे जो है वो एक्सीडेंट का रूप दिया जाए। तो आप सब लोग जो है वो खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लोग जो है वो किस घिनौनी हरकत तक जो है वो आ पहुंचे और खाली लालच जो है वो पैसों का लोगों की जान तक जो है वो ले जा रहा है। ये वाकई बहुत ही बड़ी खबर है और अपने आप को दिल दहलाने वाली खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर किसी के ऊपर भी आंखें मूंद कर विश्वास कर देते हैं और जब आप लोगों के घर में किसी अनजान का आना जाना रहता है तो वो आपके घर का पूरा माहौल जो है वो जांचने की कोशिश करता है। तो अब जो है वो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि तालाब तिल्लो पुलिस जो है वो उनको पूरा शक है कि ये हत्या जो है वो इस ऑटो चालक ने की है, यानी कि अब आरोपी की तलाश जो है वो पुलिस जुटी हुई है। हालांकि आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में ही ये पूरी गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि साफ शब्दों में ये व्यक्ति जो है वो इनकी पहचान संजय कुमार है और ये रहने वाले जम्मू के तालाब तिल्लो के बॉडी पट्टा के रहने वाले हैं। वहां पर पति और पत्नी जो है वो दोनों अपने घर में अकेले रहते थे और अक्सर जब भी आप भी जानते हैं कि आजकल जो है वो कोई भी जब जिसके साथ आपकी जान पहचान होती है तो आप लोग जो कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो हमारे बुजुर्गों का ध्यान रखे, क्योंकि इनकी दो बेटियां बताई जा रही है, दोनों बेटियां जो है वो घर से बाहर रहती है और इससे ऑटो चालक का अक्सर इनके घर पे जो है वो आना जाना रहता है, इनका विश्वास जो है वो उन्होंने जीता हुआ था। और बताया जा रहा है कि 2:30 बजे जो है वो इनके घर में घुसता है और 5 बजे जो है वो घर से बाहर निकलता है और इनकी जेबें जो हैं वो फुल रहती हैं, यानी कि चोरी का भी अंदेशा जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि घर से जो है वो कीमती जेवरात सोना चांदी और कुछ नकदी जो है वो गायब है। और अब जो है वो पुलिस की सुई जो है वो इस ऑटो चालक के ऊपर जो है वो अटकी हुई है और सीसीटीवी फुटेज में भी ये व्यक्ति जो है वो बताया जा रहा है कि ये आ गया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि पाप जो है वो कभी भी छुपता नहीं, आप लोग पहले भी जानते हैं जो पाप है वो कभी ना कभी जो है वो सामने उभर कर आता है। अब इस ऑटो चालक की जो है वो पुलिस तलाश में जुटी हुई है और आप लोग भी क्या इस तरह से अगर किसी के ऊपर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं तो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, खासकर महिलाएं जो अकेली घर पर रहती हैं। तो अगर आप किसी भी
अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये खतरों से खाली नहीं है। खबर जो है वो हमारे जम्मू संभाग के जम्मू तालाब तिल्लो की है। आप लोगों को हर घटना से जो है वो सबक लेना चाहिए। फिलहाल उन व्यक्तियों की आत्मा की शांति की कामना करें और इस आरोपी व्यक्ति को किस तरह से कानून के दायरे में सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप अपनी कमेंट बॉक्स में कीमती राय जो है वो जरूर रखें। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, देखते हैं रेसी जगह। नमस्कार।